नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। भारत अमेरिका के बीच बड़ा समझौता, दोनों देश इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के मिलिट्री बेस और सामान। नौवहन स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानून की जरूरत पर दिया बल। सिखों से माफी मांगेगा कनाडा, 1914 में सिखों को कनाडा में नहीं दी थी प्रवेश की अनुमति। कामागाटा मारू जहाज की घटना में 20 सिखों की हुई थी मौत। उत्तरी कोरिया ने पहली बार जारी किया न्यूक्लियर टेस्ट समेत आर्म्स प्रोग्राम का वीडियो, दुनिया को दिखाई अपनी ताकत। सैटेलाइट इमेज के जरिए मिसाइल टेस्टिंग का चला था पता। संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध से बचने के लिए मसूद अजहर ने की चीन की तारीफ। पाक पीएम नवाज शरीफ को कोसा, कहा पनामा पेपर्स लीक के जरिए शरीफ फैमिली हुई एक्सपोज। यूनिसेफ का बड़ा खुलासा, बोको हरम के हर 5 फिदायन में एक मासूम बच्चा शामिल। 2015 के फिदायन हमलों में 44 बच्चों का हुआ था इस्तेमाल, फिदायन में ज्यादातर लड़कियां शामिल। अमेरिका ने सीरिया में अलशबाब के ठिकानों पर किया हवाई हमला, 12 आतंकी ढेर, पेंटागन ने की पुष्टि। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।